गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकेजी क्लास। सो विच डे इज टुडे? टुडे इज थर्सडे। विच डे? थर्सडे। एंड विच डेट इज टुडे? टुडे इज 24 सितंबर 2020। ओके, सो नाउ स्टार्ट योर क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज भी आप सबका है रिवीजन। आज मैं आपको कविता पढ़ाने वाली हूँ और आपकी कविता है पौधा और प्यारा बचपन। आप सबने पहले भी इसके पहले पढ़ा है, मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लिसन केयरफुली। पहले सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। सब बच्चे बुक ओपन करेंगे, बुक ऑफ सॉन्ग्स, राइम्स एंड स्टोरीज की। तो चलिए बुक ओपन करते हैं। पेज नंबर है 6। पेज नंबर 6 ओपन करेंगे सभी बच्चे। पेज नंबर 6 ओपन करेंगे कविताएं पौधा और प्यारा बचपन। मेरे साथ साथ आप सब भी पढ़िएगा और जिससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ओके, नाउ स्टार्ट। छोटा सा एक बीज उगा, छोटा सा एक बीज उगा, नन्हा पौधा लहराता है लंबी लंबी टहनी इसकी, लंबी लंबी टहनी इसकी, पत्तों से भर जाता है मोटा तना हरा भरा, यह बड़ा वृक्ष बन जाता है। पंछी इस पर करे बसेरा, पंछी इस पर करे बसेरा, सब पर छाया करता है, चलते राही की थकान को पल भर में या भरता है। मीठे मीठे फल इसके, मीठे मीठे फल खा इसके, पेट सभी का भरता है। राइट, फिर से चलिए पढ़ते हैं। छोटा सा एक बीज उगा, छोटा सा एक बीज उगा, नन्हा पौधा लहराता है, लंबी लंबी टहनी इसकी, पत्तों में ये भर जाता है, मोटा तना हरा भरा, यह बड़ा वृक्ष बन जाता है। पंछी इस पर करे बसेरा, सब पर छाया करता है, चलते राही की थकान को पल भर में या हरता है। मीठे मीठे फल खा इसके, पेट सभी का भरता है। मजा आ रही ना सबको? चलिए प्यारा बचपन पढ़ते हैं। नन्हा प्यारा सा ये बचपन, जीवन का एक टुकड़ा बचपन, नन्हा प्यारा सा ये बचपन, जीवन का एक टुकड़ा बचपन, नटखट नदानी सा का बचपन, विद्या में डूबा तन मन, खेल कूद में गुजरा बचपन, याद दिलाता है हर पल, रंग रंगीली दुनिया में बीता है सुंदर सा बचपन। सो आई होप आप सबको बहुत ही मजा आई होगी। आप सब भी इस कविता को अच्छे से पढ़िएगा, लर्न करिएगा, ठीक है? सो चलिए हम लोग बच्चों अपने नए कॉन्सेप्ट में आते हैं। सबने बहुत एंजॉय किया हिंदी की कविता, किया ना सबने? ओके, तो चलिए हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक है? आज मैं आप सबको तो बच्चों अभी मैंने आप सबको कविता पढ़ाई हिंदी की, मजा आ गई आप सबको, राइट? तो चलिए हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट में आते हैं। मैथ्स का वर्क है, क्या लिखा है? काउंट एंड ऐड। क्या करना है, क्या लिखा है? काउंट एंड ऐड। काउंट एंड ऐड का मींस क्या होता है? मींस आपको ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, लुक एट हियर, सभी बच्चे देखिए ये पिक्चर्स बनी हुई है, आपको क्या करना है, इन पिक्चर्स को काउंट करना है और ऐड करना है। ये देखिए ऐड, एडिशन, ये प्लस का साइन दिया हुआ है, सबने ऐड करना है। ऐड मींस क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है एड मीन्स होता है जोड़ना, ठीक है? आप सबको काउंट एंड ऐड, ऐड करके जो इसका आंसर आएगा आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद आपको इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है? और इस तरह से आपको भी अपनी मैथ्स की कॉपी में वर्क कम्प्लीट करना है और इस तरह से पिक्चर्स को ड्रॉ करनी है। और ये जो ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद आप सबको क्या करना है, पिक्चर्स को कलर भी करना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंट एंड ऐड। चलिए 1 2 3, कितने नंबर हो गए बच्चों? 3 नंबर। सभी बच्चे अपने अपने हाथ पे इस तरह से ऐड करेंगे, शो मी योर फिंगर, सब लोग इस तरह से फिंगर निकालेंगे, 3 फिंगर। मैंने कितने नंबर बोले? 3।
अब थ्री में ये कौन सा नंबर हमें ऐड करते हैं, वन ऐड करना। तो चलिए वन ऐड कर दिए, अब स्टाइल फिगर्स को काउंट करेंगे। वन टू थ्री फोर, हाउ मेनी, वन टू थ्री फोर, आंसर क्या चलेगा, फोर, क्या चलेगा, फोर। अब चलिए नीचे स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, ट्रू टू ट्रायंगल्स और ऐड करने हैं, फाइव सिक्स, आंसर क्या आ जाएगा, सभी बच्चे इस तरह से करेंगे, फोर फिंगर एंड टू फिंगर ऐड कर देंगे इस तरह से, वन टू थ्री फोर एंड फोर फाइव सिक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सिक्स आ जाएगा, ठीक है, यस। अब चलिए फ्लावर काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव के बाद हमें कितने फ्लावर ऐड करने हैं, टू फ्लावर, यानी फाइव नंबर में टू फ्लावर और ऐड करने हैं, कितना हो जाएगा, चलिए फाइव फिंगर, सब लोग शो मी योर हैंड, फाइव फिंगर, वन टू थ्री फोर फाइव, और कितने फ्लावर दिए हैं, वन टू, अब ये टू ऐड कर देंगे इसको। अब सारे फिंगर्स को आप लोग काउंट करिए, कितने नंबर आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आंसर क्या आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, आ गया ना, इतना इजी पैटर्न है। आप लोग अपने हाथों का यूज करिए, फिंगर्स का यूज करिए और एडिशन करिए, ठीक है। चलिए अब बलून को काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फोर में फोर ऐड करते हैं, यानी फोर बलून इधर है, फोर बलून इधर है, अब कितने हो जाएंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आंसर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, इसको भी आप अपने हाथ पे फिंगर पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब ट्री देखिए नीचे कितने बने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आंसर क्या लिखते हैं, सिक्स। तो कितना इजी, इस तरह से काउंट एंड ऐड, इस तरह से आपको काउंट करना है, काउंट करने के बाद ऐड करना है, और बहुत ही इजी पैटर्न है, आप पेन के थ्रू भी ऐड कर सकते हो, इस तरह से आप अपने पास जितनी भी आपके पास पेन या पेंसिल है आप उसमें भी एडिशन कर सकते हो, और अगर आप तो अपने फिंगर्स का यूज करना है आप उसका यूज करिए, तो बहुत ही ईजी है, सब लोग अपने अपने फिंगर्स का यूज करिए ऐड करने के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे इसे अपनी मैथ्स की कॉपी में ये इसे आप बता दीजिए, आपका वर्क है, और आपका होमवर्क है इंग्लिश में है, इंग्लिश राइट द 10 वर्ड्स ऑफ 10 वर्ड्स ऑफ साउंड यू। आपको ये देखिए इंग्लिश का वर्क है आपका, आपको क्या करने हैं, राइट द 10 वर्ड्स ऑफ साउंड यू। आपको यू साउंड के, यानी मैंने बताया था ना वोवेल्स होते हैं फाइव वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, तो आप लोग ने जैसे ए का किया, ई का किया, आई के वर्ड्स लिखे, इसी तरह से आपको यू वर्ड्स के 10 वर्ड्स आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में लिखना है, ये आपका होमवर्क है। और ये जो वर्क है ये आप इसे मैथ्स की कॉपी में लर्न करेंगे काउंट एंड ऐड, और ये जो है ये आपका इंग्लिश का वर्क है, ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चे इसे देख लीजिए और ये अपना वर्क डन कर लेंगे। आई होप आज आप सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कविता जो मैंने पढ़ाई उसको आप लोग भी अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास यही कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, सो आई होप यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।